खबर चमोली से है, जहां टैगोर इंटर कॉलेज पोखरी के 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती के चित्र का अनावरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक बुटोला ने कहा कि इस विद्यालय ने राज्य स्तर पर भी पोखरी ब्लॉक का नाम रोशन किया है। उम्मीद है कि भविष्य में भी यहाँ के बच्चे उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। विद्यालय के प्रबंधन अजय जोशी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से उत्तराखंड बोर्ड में टॉप करने वाले बच्चों और उनकी माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने कई सांस्कृतिक झलकियां दिखाई। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। इसमें जो है सब जो कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा है वो कमला नेहरू पुरस्कार है। हमारे पिछले 3 सालों में 77 बच्चे कमला नेहरू पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। उनकी माताओं का सम्मान होना है और उनको 1,000 रुपये की पुरस्कार राशि मिलनी है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हमारे सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय या पिछले वर्षों में जो बच्चे उत्तराखंड मेरिट सूची में आए हैं उनका भी सम्मान होना है और बच्चों के या 2 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम का माताओं के सम्मान के साथ साथ दूसरा मुख्य उद्देश्य बच्चों को मंच उपलब्ध कराना है कि जिससे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम या बच्चों के अंदर जो भी कला है वो निखरे और सबके सामने प्रदर्शित हो। उससे ये स्वागत योग्य है कि यहाँ पे जो स्कूल है उसका अपने आप में पोखरी के ब्लॉक के अंदर बड़ा नाम रहा है और प्रदेश के अंदर बड़ा नाम रहा है। यहाँ से पूरे प्रदेश के बच्चे टॉपर निकले और ऐसे एक समृद्ध जो स्कूल में जो चीज़ें होनी चाहिए तमाम विधाओं को लेकर के वो कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्कूल प्रबंधन का और स्कूल के स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रतिभाओं का यहाँ पर लगातार उनको निखारने का काम कर रहे हैं।